सो गाइस नाउ वी आर एट द यूनिवर्सिटी। मेरा डिपार्टमेंट आ चुका है, साक्षी को अभी थोड़ी दूर जाना उधर की साइड, देन आई थिंक वी हैव टू डिपार्ट नाउ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छे से करना। सी यू एट लंच टाइम। या लंच में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। गाइस बस अभी मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है, लंच का टाइम हो गया है। साक्षी से अभी मैंने मैसेज पे बात करी, शी इज ऑल्सो डन, अपने एडवाइजर से मिल ली है और अभी लंच के लिए बुला रही है मुझे। तो अभी मेरे को भी अपडेट्स चाहिए क्या क्या हुआ उसके साथ, तो हम अभी उसके पास चलते हैं और देखते हैं कैसा रहा उसका पहला 1 घंटा। वो रही। हेलो, ये क्या लिया है? I got something for me. क्या है? बुक्स पहले दिन ही? हाँ भाई। क्या क्या दे दिया? पहले दिन कोई नहीं देता बुक्स। इनाम मिला है मेरे को। सही में? And you will be shocked. क्या बताओ ना जल्दी। That's unexpected for you, but I knew already. Seriously? Yes. So, बताओ बताओ कैसा रहा? अच्छा था, बताती हूँ क्या क्या हुआ। आज तो कुछ ज्यादा बड़ा दिन नहीं था, मतलब बस इंट्रोडक्शन एंड ऑल, थोड़ा डिपार्टमेंट का टूर हुआ, ये सब थोड़ा उन्होंने बताया कि क्या क्या होगा। और समर में ज्यादा बच्चे तो होते नहीं है, तो इसलिए खाली खाली भी है। अभी धूप तो नहीं लग रही बाहर? नहीं, अच्छा है। जैकेट विंडी नहीं है, ठीक है, ज्यादा मोटी नहीं है, ये अच्छी थी। अच्छा लगा मिलके? या कैसे? पोलाइट है? पोलाइट क्या, बिल्कुल, मतलब लाइक अ फ्रेंड है। हाँ, ज्यादा उम्र के नहीं है, काफी यंग ही है तुम्हारे एडवाइजर। मेरे को पहले मास्टर्स में भी सही थे, चिल्ड एकदम मस्त। ऐसे नहीं है कि वो नहीं बोलते कि आप यहाँ पे ऐसे बोलो कि डॉक्टर सर कुछ भी। ही जस्ट सेड मी कि कॉल मी विद माय नेम। बहुत ही फ्रेंकली है, इजिली सब कुछ उसने एक्सप्लेन करा, रिसर्च एंड ऑल, क्या क्या जॉब होगी, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। धूप आ रही थोड़ी सी, थोड़ी धूप आ रही तुम्हारी। हाँ, और थोड़ा सा मेरे को मेरे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो और भी एक और है PhD स्टूडेंट, तो उससे मिलवाया था। और क्या करा अभी, और सोचती हूँ थोड़ा सा। लेट मी थिंक। जब तक थिंक कर रही हो तब तक ये बता दो ये क्या है। नहीं, पहले मैं बात बताऊंगी ना। अच्छा। तो पहले उन्होंने बस ये बताया कि वेलकम, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, जब आपको आना हो तब आओ, ये आपकी डेस्क है, आप घर से काम करना चाहे घर से कर लो, यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से कर लो, बस उनको काम से मतलब है, मतलब समर टर्म में, क्योंकि अभी कोई क्लासेस नहीं है। क्लासेस का पूछा? क्लासेस को उन्होंने बोला फॉल से स्टार्ट होगी अगस्त से। Okay. तो अभी तो उनको इतना पता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी यही देख लेते हैं पहले समर का। फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज? यस, तो उसके लिए कोई और लेडी है जो सारा देखती है। तो मैंने उनसे ईमेल से बात करी है, कल मेरे को मिलना है उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट, और हमारा कोई I-94 होता है तो वो लेके जाना है, तो मेरा फिर हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। Okay, okay, okay. अच्छा लगा ना मिलके? Yes. तो एक नया PhD स्टूडेंट है स्प्रिंग से, एक तुम हो, और तीसरा कौन था? तीसरी उनकी वाइफ है। अच्छा, वो भी यही काम कर रही है। अच्छा अच्छा, उनके बारे में मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट जो दूसरा लड़का है वो बांग्लादेश से है, ही ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम स्प्रिंग सेमेस्टर, जनवरी से उसका था। अच्छा, लेट्स सी। अभी तक स्मूथली है सब कुछ, और होपफुली अच्छा जाएगा आगे। और उन्होंने बोला था कि आप अपने सबको इंट्रोडक्शन दे देना, जितने भी डिपार्टमेंट में, जैसे क्लाइमेट साइंस में जितनी फैकल्टीज है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, उनको एक इंट्रोडक्शन दे देना कि आप भी आ गए हो। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट डे है तो एडवाइजर आपसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेगा, दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाएगा, फिर फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज के लिए बोलेगा, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के लिए नहीं बोला? इंटरनेशनल में ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये ही उनसे कांटेक्ट कर लेंगे क्या क्या चीजें रह गई हैं। तो बस अभी ये रह गया कि मैं कुछ ले नहीं रही हूँ, लाइक। तो उन्होंने बोला कि रिसर्च क्रेडिट्स ले सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो हमें क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, अपना वीजा या फिर अपना I-20 मेंटेन करने के। हाँ, तो बस उनका। एक सेकंड, बैटरी खत्म हो रही है इसमें। गाइस, कैमरे की बैटरी जा रही है। आज मैं एक ही बैटरी लेके आया, मेरे को पता नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी वीडियो, पर मैं GoPro लेके आया हूँ, तो नेक्स्ट जो क्लिप होगी वो GoPro से होगी, ठीक है? 2 सेकंड बस। वी आर बैक, ठीक है? अब बस ना ज्यादा क्यूरियोसिटी मत बढ़ाओ। Okay. बता दो, ठीक है? ये मिला है। क्या 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 मिला है? मिला है, ये तो है, पर तुम्हारी वाइफ को अवार्ड मिला है, नया दे दिया बिल्कुल। अरे देखो, बैग कैंपस स्टोर से, और इसकी स्टोरी में बताती हूँ। रुको 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 रुको, पहले तो रुक जाओ, पहले मैं ये देख लूँ। यस। वाओ यार, पूरा नया। ऑब्वियसली इसकी कहाँ पैकिंग हटी हुई है, देखो पूरा पैक्ड है। दिख रहा? भाई साहब, और मेरे को पता क्या मिला था? हाँ। पुराना, बिल्कुल जो 10 साल पुराना लैपटॉप जो होता है, जो रखा हुआ वो डिपेंड करता है ना, यू नो, कौन कैसे कैसे काम करता है। ये तो एग्जैक्टली है हमारे पास ना। यस। अरे रुको रुको, मेरे पास है शायद, बैग में है शायद, 1 सेकेंड। ये रहा बिल्कुल एज इट इज। एक और एक मैं दिखा दूं, तुम्हारे पास भी है। अच्छा हाँ, एयर, पुराना एयर भैया एप्पल का गिव अवे कर रहे हैं। कोई अगर किसी सब्सक्राइबर को चाहिए तो कांटेक्ट करे प्लीज। या बिल्कुल। तो इसकी स्टोरी ऐसी थी कि जो हमारे डिपार्टमेंट में सबको ही मिलता है, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट आते हैं स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स को। तो एक मेरे को मिला है, नाहिद को भी मिला हुआ है ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था मेरी प्रेफरेंस कौन सी है स्पेसिफिकेशन की। ये जो पूछा था ये बताते क्यों नहीं हो तो? और आगे कहानी सुनो। कौन सा है 13 इंच या 16? इट्स 13 इंच। ठीक है बस, ज्यादा हो गया, इतना हमें पता भी नहीं होगा। Am I deserving? पहली बार। अरे आगे कहानी सुनोगे तो तुम डर जाओगे। हाँ बोलो। ऐसा हुआ नहीं भाई, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मैं गई, फर्स्ट तो उनकी ये थी कि वेलकम, सेकंड उनकी ये थी कि साक्षी मैं भूल गया था और मैं बिजी था कि मैं तुम्हारा ले नहीं पाया मैकबुक। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर वो मुझे कैंपस स्टोर में ले गई कि आओ साथ में लेते हैं। मैं तो ऐसे ही मैंने कहा, मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या चल रहा है। और हम चले गए बातें करते करते रास्ते में, फिर उस रास्ते में चल के भी बात हुई ये सब। फिर वहाँ गए तो वो मुझसे ले लूँ जो सा लेना है। तो ऐसे यार अब शर्म में बोला भी ना जाए कि नहीं ये वाला दिला दो whatever you say। तो उसने बस ये बोला कि ठीक है देख लो। तो ये बस तुम्हारे साथ हुआ है या फिर? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे तो बहुत पुराना से एक लैपटॉप मिला था डेल का। पर कैन वी एक्सपेक्ट अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज इन पीएचडी गेट अ न्यू लैपटॉप? That to MacBook Pro. That to MacBook. Maybe ये requirement होगी कोर्स की ना। तो ये अब तुम्हारे हो गया, फिर वापस भी करना होगा इसको। Till now it's mine. I can take it at my home. मजे आ गए। फिर इसका क्या करेंगे पर? इसका देखते हैं सोच के। इतने तो नहीं चाहिए, तो ज्यादा हो गए ना, 2 लोग और 3 लैपटॉप। ये वाला भी बहुत ही अच्छा चलता है अभी भी हमारा, बट इस पे एडिटिंग नहीं हो पाती एयर पे, इसीलिए हमने इसकी जगह ये वाला लैपटॉप लिया था। पर ये 1TB है और ये वाला 512GB। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही फ्रेंकली थे। कोई ले जा रहा है आपको साथ में शॉपिंग कराने, वो भी प्रोफेसर एडवाइजर आपकी, तो इट्स लाइक टचिंग। मेरे से मिलवा दो ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा। या पहले मेरे एडवाइजर को उनसे मिलवा दो कि कैसे ट्रीट करते हैं। अचल के एडवाइजर भी बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा फ्रैंक है वो भी। अनबॉक्सिंग कर रही हो? कर सकती हूँ, करना जरा। ओके रेडी। अब ये मत बोलना कि कैमरा ऑन नहीं था। नहीं कैमरा ऑन है। नहीं तुम बहुत बार बोलते हो अरे यार टर्न ऑन करना तो भूल ही गया। इससे महंगा गिफ्ट आज तक किसी ने नहीं दिया मेरे को। भाई मैंने दिया था ये। है किसके पास ये? तुम्हारे बैग में थोड़ा कूड़ा रख देते हैं। काफी मोटा है इसका कवर। एज इट इज बिल्कुल डिट्टो है वो कवर भी अभी। ओके भाई ये लो। दुकान लगा रहे हैं अब, सही है। But that's good. Yes. इनसे बात करके देखता हूँ अगर एक्सचेंज हो जाए तो, या फिर कुछ अगर शिपिंग कॉस्ट हम पे कर देंगे। So guys, ये था हमारा आज का व्लॉग एंड दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ एन इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी इसमें से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लीव अ कॉमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न और समथिंग यू वांट टू आस्क। नेक्स्ट टाइम बाय।